सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डेवलपर टैब कैसे ऐड करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर के रिबन में कोई भी डेवलपर टैब नहीं शो हो रहा है, ठीक है। इससे पहले की वीडियो शुरू करूं, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर इससे पहले कई इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर कर चुका हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो डेवलपर टैब ऐड करने के लिए हमको जाना होगा कस्टमाइज रिबन में। कस्टमाइज रिबन में हम दो तरीके से जा सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि देखिए राइट हैंड साइड में यहाँ थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर राइट क्लिक जब आप करेंगे तो ये देखिए ऑप्शन आपको मिलेगा कस्टमाइज रिबन, इस पर क्लिक करके भी आप जा सकते हैं, या फिर लेफ्ट हैंड साइड में फाइल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा फाइल का ऑप्शन, इस पर क्लिक करिए और नीचे ड्रॉप डाउन में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए छोटा सा विंडो ओपन हो जाता है, यहां पर ये रहा कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड में आपको सारे कमांड ये शो करने लग जाएगा, ठीक है। ये है पॉपुलर कमांड, ये है मेन टैब, तो हमको जाना है मेन टैब में, ठीक है। ये देखिए मेन टैब, ड्रॉप डाउन में आपको दो ऑप्शन शो करेगा, टूल टैब्स और मेन टैब, हमको जाना है मेन टैब में। जब आप मेन टैब में जाएंगे तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन जब आप करेंगे नीचे तो ये देखिए यहां पे मिल जाएगा आपको डेवलपर टैब का ऑप्शन, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो डेवलपर टैब वहां पर ऐड हो जाएगा, लेकिन यहां से ओके करना मत भूलिएगा, ठीक है। ये देखिए ओके, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहां ऊपर के रिबन में डेवलपर टैब शो होने लगा।